पेनी, कैसी हो? पता है मुझे सारे सब्जेक्ट्स में 80 प्लस मिले हैं, लेकिन सिस्टर मैरी जोसेफ मुझे पीटी में फेल करना चाहती है और उसकी वजह से शायद मुझे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पुशअप्स नहीं कर सकती। विनी, मैंने तुमसे पूछा था तुम कैसे हो, तुम्हारा जवाब होना चाहिए था सब ठीक है रानी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। सब ठीक है रानी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे एक मैगजीन चाहिए इस हफ्ते की पॉपुलर सेलिब्रिटी की, जल्दी। हाँ वाओ विनी, तुम तो सचमुच बहुत कमजोर हो। वाओ रानी, तुम इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई? इंडिया के टॉप ट्रेनर्स मुझे ट्रेन करते हैं। मैं चाहती तो मैं भी अपनी एरोबिक्स की सीटी निकाल सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी तरह खूबसूरत दिखे। मैं तो बस पीटी में पास होना चाहती हूँ, तुम मुझे पास होने में मदद करोगी ना? ओके। वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा कि ये दिन आएगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे कपड़े एकदम आउट ऑफ फैशन है। दूसरी, तुम्हारे बाल बिल्कुल ही। तीसरी, फाइन, पुशअप्स करके दिखाओ। ये तो पुश था, अब करके दिखाओ। तो रानी, तुम मेरे बालों के बारे में क्या बोल रही थी? आई थिंक हमें मशीन पर ट्राई करना चाहिए। ये वाली मशीन नहीं, वो कॉफी वाली मशीन। इसे देखो, अपने दोनों हाथों से पकड़ो और जोर से खींचो। क्या हम ये एक और बार ट्राई कर सकते हैं प्लीज? यस, वो आउट हो गया। अगर उस पेंडिंग को सीधा जाके लगता है तो वो सिक्स है। नहीं, अगर उस पेंडिंग को सीधा जाके लगे तो आउट है। कब से? जब से तूने उसको पहली बार तोड़ा। बॉयज, अपनी मम्मी से कह देना कि मैं उस पेंटिंग की कीमत चुका दूंगा। मामू, आप टेंशन मत लो, वो पेंटिंग पूरी तरह से नहीं टूटी। नहीं टूटी? मामू, आपके साथ तो मजा आता है। हाँ मामू, हमने आपको बहुत ही मिस किया। मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। कितना मजा आएगा अगर तुम दोनों भी मेरे साथ टूर बस में देश भर घूमने आ सकते। लेकिन मामू, एक प्रॉब्लम है, बस में पढ़ाई करते वक्त मुझे उल्टी आने लगती है। वीर, तू कभी कभी इतनी बोरिंग बातें करता है ना कि लोरी भी सो जाती है। ओके ओके बच्चों, बहुत मस्ती हो गई, अब होमवर्क करने का टाइम आ गया है। अब 12 बज चुके हैं। ओप्स, 12 बज गए, अद्भुत भूत की कहानियां आ रहा होगा टीवी पर। अरे ये तो मेरा फेवरेट शो है, चलो थोड़ी देर के लिए देखते हैं। लेकिन वो तो बहुत डरावना होगा ना, तो सो जाना ना। दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना। ये सब क्या हो रहा है? हम तो बस अद्भुत भूत कहानियां देख रहे थे। मैंने मना किया था इन्हें। होमवर्क के बारे में पूछूं? मत पूछो। बॉयज, अपने कमरे में जाओ अभी। ये सब तेरी गलती थी, समझा ना? मेरी गलती नहीं, तेरी गलती थी, क्योंकि टीवी तूने ऑन किया। बाय। मुझे पता है तुम गुस्सा हो। गुस्सा? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सा तो मुझे तब आया था जब बचपन में तुमने मेरी डॉल के बाल काट दिए थे और जब मैं रोने लगी मुझे कहा कि वो वापस उग जाएंगे। फिर मुझे गुस्सा तब आया था जब कॉलेज में तुमने मेरी गाड़ी बेचकर अपने लिए गिटार खरीदा था। फिर मुझे गुस्सा तब आया जब तुम करण और कबीर को अपने साथ पार्क ले गए थे क्रिकेट खेलने और फिर दो गलत बच्चों को वापस ले आए थे। ये तो हो जाती है यार। वो दो लड़कियां थी। उस वक्त मैं गुस्सा नहीं, बहुत गुस्सा हूँ। मैं तो सिर्फ बच्चों के साथ वक्त बिताने आया था। थैंक यू जोजो कि तुम मेरे बच्चों के साथ वक्त बिताने आए, लेकिन जब भी तुम उनसे मिलते हो उन्हें बिगाड़ कर जाते हो और फिर मुझे उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है और उनके हिसाब से फिर मैं बड़ी विलेन बन जाती हूँ। बचपन से तुम मेरे बारे में शिकायत ही शिकायत करती आई हो। क्योंकि तुम बचपन से गैर जिम्मेदार रहे हो। एनीवे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। बच्चों को बोलना कि मैं उन्हें कल बाय बोलने आऊंगा। मेरे
मेरे सॉक्स को बॉल बनाकर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था? मामा को पता था कि रियल बॉल से चीजें टूट सकती है। देखा, वो इतने भी गैर जिम्मेदार नहीं है। मैंने कब कहा कि वो गैर जिम्मेदार है? गैर जिम्मेदार तो तुम हो। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम्हारे मामा के आने से पहले तुम अपना सारा होमवर्क पूरा करोगे। मॉम, आप हमेशा यही टॉपिक को लेकर मुझे क्यों परेशान करते हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी ना करण, तो ये काम कभी पूरा नहीं होगा। मामा मुझे कभी भी परेशान नहीं करते। अच्छा, तो बताओ, होमवर्क किया? नहीं किया ना, क्योंकि तुम इस बॉल के साथ खेलने में बिजी थे। मॉम, आप मामा से चिढ़ते हो क्योंकि वो आपसे ज्यादा कूल है। करण, बच्चों को बड़ा करना कोई मस्ती मजाक का काम नहीं है। आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देखो करण, जब तक तुम मेरी छत के नीचे हो ना, तुम्हें मेरे रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा, ओके? टेक्निकली ये मानसिंह जी की छत है। अपने कमरे में जाओ अभी। बकुल, क्या हो तुझे यार? वो क्या है कि मुझे चलती बस में उल्टी होती है। बस थोड़ी ना है, ये तो प्लेन है। हाँ? अरे यार, मैं तो भूल गया, मुझे प्लेन में भी उल्टी होती है। मैंने परेशान कर रहे यार, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे तो जा जा, तेरी शक्ल किसे पसंद है भाई, कूटी दफा हो जा, चल। अरे कुटी, अरे तुझे क्या हो गया यार, तेरी ये हालत किसने बनाई? अरे कुटी वापस आ जा। अरे करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरा भांजा है। मामू, मैं घर से भाग कर आ गया। अपने भाई को देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा है। मैं करण के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। वो मामा के साथ टूर बस पर है। क्या? और मैंने फ्रिंडर की आखिरी चॉकलेट भी खा ली। अरे, वो ऐसे भाग कैसे सकता है? वो ऐसा क्यों करेगा? शायद इसलिए क्योंकि आप उसे कुछ ज्यादा ही डांटते हो। क्यों? उसने कुछ कहा क्या? हाँ, उसने कहा कि आप उसे कुछ ज्यादा ही डांटते हो। ओके, सबसे पहले तुम्हारी मॉम को फोन करना होगा। कभी कभी तो तुम्हारी मॉम से मुझे डर लगता है। नहीं, आप ही उनसे बात करो, वो मुझे डांटेगी। सबसे पहली बात, मैं तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह समझ सकता हूँ। या दिमाग ठंडा कर रहा हूँ। जो जो मुझे बस इतना बताओ कि वो ठीक है ना, और उसे अपनी बॉडी पे कोई टैटू तो नहीं करवा लिए? टैटू मम्मी के नाम से बनवाई है। क्या? मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया? भाग गया मेरे बच्चे के साथ। तो तुम यहाँ आकर उसे ले जाना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो कह रहा है कि उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे सब सुनाई दे रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। देखो, अब अगले हफ्ते से उसकी वैसी ही छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, तो इस वक्त तुम उसे अपने साथ ही रखो। अगर इस वक्त मैं उसे घर ले आई, मुझे कभी माफ नहीं करेगा। थैंक यू मॉम, आई लव यू वेरी मच, बाय। मामा की तरफ से भी बाय। अरे और मेरी तरफ से बाय? तुम उन्हें नहीं जानते हो। और अभी जान भी नहीं सकता। वो तुम्हारे मामा के साथ ही रहना चाहता है। बुरा मत मानो माँ, आप मजेदार नहीं हो तो क्या हुआ? कभी कभी बच्चों को गुस्सा करने वाली, परेशान करने वाली माँ की जरूरत होती है। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अंदर से दर्द को महसूस करो, अंदर के उस दर्द को अपनाओ। रानी, मैं इस तरह 50% भी नहीं ला पाऊंगी। पता है, कल सिस्टर मैरी ने मुझसे कहा था कि मेरे हाथ इतने पतले हैं, वो उनके साथ डांडिया खेल सकती है।
समझो, तुम इसके मामा जरूर हो पर डकार मारने में ये तुम्हारा मामा है। मैं तुम्हारे दो टॉफी का जवाब 4 टॉफी से देता हूँ। चलो मैं हार गया। मामू खाने में क्या है, मैं अभी भी भूखा हूँ। क्या नहीं है, फ्रिज में ठंडे बर्गर्स, ठंडा पिज्जा और ठंडा चिकन पड़ा है। गर्मा गर्म क्या है? बाहर गर्मा गर्म आइसक्रीम पड़ी है। कूल, मैं उसे पी सकता हूँ। यह कितनी मजेदार लाइफ है, गेम्स खेल सकते हैं, डकार की कंपटीशन होती है और नानी की कोई जबरदस्ती नहीं है। ओ, तो बद्दू तुम में से आ रही थी और मुझे लगा क्या लगा? अरे 2 हफ्ते पहले ही तो नहाया था। मामू मैंने जितना सोचा उससे ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर। अगर मेरी स्कूल बस ऐसी होती ना तो मुझे स्कूल जाने में कोई एतराज नहीं होता। लेकिन स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी होता है। ओके, ये एक्सरसाइज तुम्हारी टांगों के लिए है, ऊपर की बॉडी के लिए मैं कुछ और लेकर आई हूँ। शॉपिंग बैग्स, शॉपिंग करने से काफी एक्सरसाइज होती है, बैग्स उठाना इतना आसान काम नहीं है। ओके, हाथ ऊपर करो, बैग्स पकड़े रखो, करो। अब सोचो कि दुकान में ये आखिरी जूते प्रियंका शेट्टी खरीदने जा रही है। ये कितने कूल है, ये तुमसे दूर जा रहे हैं और तेजी से। करण की कोई खबर? हाँ, मैंने उसे एक 4 पेज लंबा ईमेल भेजा था पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, मजे कर रहा है और मैं उसे कितना मिस कर रही हूँ, और ये था उसका जवाब। मैं भी बस? हाँ, सिर्फ मैं भी। कोई बात नहीं, वो देखिए कबीर। आप नहीं चाहेंगी ना कबीर आपको इस हाल में देखे और ना ही मेरा सूट। यू नो व्हाट, यू आर राइट, मुझे हिम्मत रखनी चाहिए। अब मैं भी कबीर को दिखाऊंगी कि मैं कितनी मजेदार मॉम बन सकती हूँ। मजेदार मॉम? आई मीन आप मजेदार मॉम, व्हाई नॉट, ऑल द बेस्ट। अभी चलो तुम और मैं ना गार्डन में जाके घूमते हैं। नहीं, मेरा होमवर्क है। अरे होमवर्क गया तेल लेने यार। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी तक खाना तो नहीं खाया ना, क्योंकि पता है आज तुम खाने में आइसक्रीम खाओगी। वाओ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, तुम कौन और मेरी रियल मॉम का है? अच्छा मजाक करते हो। नहीं, आई एम सीरियस। वाओ, कितना मजा आया। वो अरे यार, करण पीछे सो रहा है। वाओ, कितना मजा आया। मामू मैं सो नहीं रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था ताकि आपके कॉन्सर्ट के बाद हम किधर बाहर जा सके। मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए जिसके बारे में मॉम ने तुम्हें ईमेल किया था। और तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तुमने तब होमवर्क क्यों नहीं किया, इसीलिए अब करना होगा। कल करे सो आज, आज करे सो अब। अरे वाह, अब मुझे पता चला कि संत कबीर क्या कहना चाहते थे। जय हो। ठीक है, पर आपको मुझे 2-3 सब्जेक्ट में हेल्प करना पड़ेगा। 2-3 सब्जेक्ट्स? साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मराठी, संस्कृत, फ्रेंच, मैथ्स। क्या तुम्हें ये खुद नहीं करना चाहिए? ठीक है, कितना मुश्किल हो सकता है। अगर ट्रेन ए की स्पीड 124 किलोमीटर पर आर है और ट्रेन बी की स्पीड 224 किलोमीटर पर आर है तो कितने मिनट में दोनों ट्रेन एक साथ मिलेगी? मामू! ये एक्सरसाइज करने की मशीन है, ये तुम्हारे डोले शोले के लिए बहुत अच्छी है। मजाक कर रही हो ना? नहीं, चुप रहो और देखो इसे। Ha 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 ha!
शोले दोनों हैं थोड़े भोले। नहीं। गुड। अरे ऐसी की भी हद होती है। जब देखो तब मूवी, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, मैं तंग आ गया हूँ उनसे। अरे पूरे घर में वीडियो गेम ही वीडियो गेम। अरे मैं पढ़ाई कब करूँ? मैं तंग आ गया हूँ यार। ओ नो, वो वहाँ पे आ रही है। तुमने मुझे नहीं देखा। कूल। टेबल के ऊपर से। आपने कबीर को देखा है? क्या मेरे चेहरे पर आपको गुस्सा नजर आ रहा है? नहीं, अगर आप कबीर को देखेंगे ना तो उसे बोलेगा अपना बैट बॉल विकेट और 2 लीटर नींबू पानी लेकर पार्क में आ जाए। ओके? I miss my गुस्से करने वाली, परेशान करने वाली मॉम। मामू जाओ। क्या अगले कॉन्सर्ट का टाइम हो गया क्या? नहीं, 12 बज गए। मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे खेलना है। बकुल क्या कर रहा है? वो सो रहा है तरबूज को झप्पी देकर। मामू आपके साथ पहले कितना मजा आता था। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों को छुट्टियों में मिलने आता था। अब मेरा काम शुरू हो गया है ना। तो फिर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी मम्मी हाँ कह देगी। देखो करण यार, मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, लेकिन तुम्हारे साथ खेलना कूदना और साथ ही साथ काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मामू अब तो आप बिल्कुल मॉम की तरह बिहेव कर रहे हो, लेकिन आप मॉम की तरह मुझे होमवर्क में हेल्प नहीं करते हो। सुबह जब मैं उठा होता हूँ आप उठे नहीं होते हो। मामू बुरा मत मानना, पर मैं मॉम के पास वापस घर जाना चाहता हूँ। ठीक है। अब पता चला ना कि बंजी जंपिंग करने से पहले वो लोग इंश्योरेंस पेपर साइन क्यों करवाते हैं? मॉम, करण, कबीरा। तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मॉम, आपके सिर पे ये आइस पैक क्या कर रहा है? मैंने कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली। मजाक कर रही हो? नहीं, सच्ची में वो कुछ देर के लिए एक कूल और मजेदार मॉम बन गई थी। ना आसान नहीं है ना? नहीं, वैसे तुम जो करती हो वो भी आसान नहीं है। तुमने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल की है। थैंक्स, लेकिन कभी कभी मदद की भी जरूरत पड़ती है। मामू मत जाओ ना प्लीज। हाँ जोजो, जल्दी वापस आना, बच्चों को तुम बहुत पसंद हो। जरूर आऊंगा। बॉयज, मैं कुछ महीनों में वापस आऊंगा, तब तक अपना होमवर्क ठीक से करना, दांत ब्रश करना मत भूलना और अपनी मम्मी की हर बात मानना। अच्छी कोशिश थी। ओके बॉयज, सी यू सून, बाय बाय। वैसे मुझे एक नई गिटार की जरूरत थी। मैं सोच रहा था। बहुत अच्छी कोशिश है, चलो जाओ। विनीता मिश्रा, 10 पुशअप करके दिखाओ। 10 क्या सिस्टर, मैं 100 करके दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20,
50, 75, 80, 91, 98, 99, 100. वो देखा सिस्टर?